लॉकडाउन में 2 महीने तक बंद रहने के बाद आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं और देश के कई रूट्स पर घरेलू उड़ानें अभी इस वक्त चालू हैं। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स आज जो हैं वो उड़ान भर रही हैं सुबह से। हालांकि सुबह से कुछ फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की खबरें भी आई, यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें भी हुई, कई जगह पर लेट लतीफी की भी खबर मिली है। लेकिन ये शुरुआती दौर है, आज पहला दिन था कोरोना काल में, यात्रियों के लिए भी पहला अनुभव, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी पहला अनुभव, एयरलाइंस कंपनियों से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं और सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उन सब के लिए आज का दिन पहला अनुभव लेकर आया। कुछ कमियां जरूर रही लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये कमियां दूर होंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे और मुंबई से पटना के लिए आ चली है। आज 1050 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। फिलहाल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने घरेलू उड़ानों को मंजूरी नहीं दी है। आंध्र प्रदेश कल से शुरुआत करेगा और पश्चिम बंगाल 28 मई से हवाई उड़ानों को मंजूरी देगा। इसी वजह से घरेलू उड़ानें जो शुरू हुई उनके कैंसिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि जो इस इलाके में आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल की तरफ जो जाने वाली फ्लाइट्स थी या इस रूट से होते हुए जाने वाली थी उनमें थोड़ी दिक्कतें जरूर आई हैं। लेकिन देश भर में सुबह के वक्त 13 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की खबर भी आई है।